आप इतना अच्छा बोल रहे थे और इतनी अच्छी बातें बता रहे थे गुजरे जमाने की, कि मैं चाह रहा था कि आप और कुछ बोलें। मुझे बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। मुझे बड़ी खुशी है आज कि मैं यहाँ इस शाम पर आया हूँ। और जब सुकेतु अंकल मुझसे मिलने आए कुछ महीने पहले, उन्होंने मुझे बताया कि वो इस किताब पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसको रिलीज़ करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कई वजह थी खुशी होने की। एक तो मैं सुकेतु अंकल को बहुत सालों बाद मिल रहा था। सुकेतु अंकल जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, अभी रहता हूँ, तो सुकेतु अंकल थर्ड फ्लोर पर रहते थे, हम लोग फोर्थ फ्लोर पर रहते थे। और जब हम नीचे क्रिकेट खेलते थे तो रोज शाम को हमको डांट पड़ती थी सुकेतु अंकल की और उनके भाई की, कहाँ है वो। हाँ, तो हम लोगों को ऊपर से आवाज आती थी और उनकी बड़ी गरजदार आवाज थी। इनके फादर की भी आवाज बहुत डीप आवाज थी, तो मुझे उनकी आवाजें अभी तक याद हैं। क्या हो रहा है नीचे, तो हम लोग डर जाते थे और हम लोग क्रिकेट विकेट बंद करके भाग जाते थे, खासतौर पर जब कांच वांच टूटता था। तो वो सारी मेरी यादें ताजा हो गई। और दूसरी मेरी याद ताजा हुई कि जब हम लोग सुकेतु अंकल यूज्ड टू रन न्यू टॉकीज एंड नेपच्यून, जो थिएटर हुआ करते थे, तो जब भी हमें टिकट की जरूरत पड़ती थी तो हम लोग सुकेतु अंकल को फोन करते थे कि वो टिकट चाहिए, अपना फिल्म चल रही है उसकी टिकट के लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट सुकेतु अंकल आफ्टर सो मेनी इयर्स। एंड और एक वजह ये थी कि मेरा हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है और खास तौर से फिल्म हिस्ट्री में। और मुझे हमेशा लगता है कि हम हमारे हिंदुस्तान में जो हम हिस्टोरिकल वर्क पे या कोई बायोग्राफीज हो, ऑटोबायोग्राफीज हो, हम अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करते, स्पेशली आई थिंक बहुत कम करते हैं, ज़्यादा इतना रिकॉर्ड हम करते नहीं जितना कि होना चाहिए। और एज अ पर्सन हु लव्स रीडिंग, मुझे मैं हमेशा मिस करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चिमन भाई पर एक किताब लिखी जा रही है, सागर मूवी टोन्स पर एक किताब लिखी जा रही है, और उसके साथ साथ उस दौर के बारे में किताब लिखी जा रही है जिसको पढ़ के हमें बहुत कुछ मालूमात मिल सकती है, हमको सीखने का मौका मिल सकता है। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ, हम सब सोचते हैं जो आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं, यहाँ सभी मौजूद हैं, विक्टर भी वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, धूम 3 के डायरेक्टर, तो हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि यार हमारे, मतलब हम लोग तो अभी इस 100 ईयर्स के लास्ट 25 साल में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब ये सब शुरू हुआ था, जब फिल्में बनना शुरू हुई थी, हमको आज लगता है कि हम बड़ा मुश्किल सिचुएशन में काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा जो जिन्होंने शुरुआत की थी इस फिल्म इंडस्ट्री की, कि किन चैलेंजेस से वो गुजरे होंगे, क्या उनकी डिस्कशंस हुई होंगी, क्या उनके झगड़े हुए होंगे, जैसे आपने अभी औरत के एंड के बारे में बताया। तो मुझे हमेशा ये, मैं हमेशा सोचता हूँ कि व्हाट वर द चैलेंजेस दैट दे वुड हैव बीन थ्रू व्हेन यू नो, जब उन्होंने शुरुआत की इस सब चीज की। और उन पे, उनके बारे में मैं अक्सर जानना चाहता हूँ, क्या उनकी जिंदगी हुई होगी, क्या उनका करेज हुआ होगा, कितने व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दे वर, रिस्क टेकर्स दे वर। एंड इट्स रियली वंडरफुल कुरारी साहब कि आपने इस पे इतनी मेहनत की है, किताब निकाली है। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड द एंटायर टीम एंड द एंटायर देसाई फैमिली फॉर पुटिंग इन ऑल द एफर्ट। हर आदमी जिसने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज एज अ पर्सन ऑफ, एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक और ऐसी किताब निकल रही है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि और ऐसी किताबें निकले। मैं अक्सर चचेरा को कहता था, मेरे जो अंकल है नासिर हुसैन, उनसे मैं अक्सर कहता था कि आप अपनी किताब लिखिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखिए, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या हुआ। बट ही डिडंट राइट इट, यू नो, आई थिंक एज क्रिएटिव पीपल हमको लगता है कि हाँ यार मेरी अभी जिंदगी तो ठीक है, मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन और लोगों को होता है। तो आई थिंक देर इज अ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस क्रिएटिव पीपल ऑल्सो टू लीव बिहाइंड समथिंग ऑफ आर एक्सपीरियंसिस, सो दैट पीपल हु आर इंटरेस्टेड, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा, कैन एक्सपीरियंस इट, कैन एंजॉय इट।
So this is something that's very important that has come out, and I'm very happy to be here today to launch this book, and I wish you all the very best. मुझे अभी भी बताया कोठारी जी ने कि इसमें एक सीडी भी है जिसमें पुराने जो सागर मूवी टोन्स के गाने हैं करीबन 75 टू 80 सॉन्ग्स उस जमाने के इस किताब के अंदर सीडी है उसमें है तो आई एम रियली एक्साइटेड. एक कॉपी मेरे लिए ना तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. मैं आज ही जाके ये सीडी सुनूंगा और किताब I love reading, so this is the next book that I will be starting, and I really hope that this book is read by more and more people. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें. ये किताब गुजराती में है, अंग्रेजी में है, और ई बुक होने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि और भी लैंग्वेजेस में ये किताब ट्रांसलेट होगी और आएगी. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जो हमने माना है कि ऐसी किताब छपना हम लोगों के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा जो पास्ट है, जो हमारा पूरी हिस्ट्री है, जो जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, वो हम भूल जाते हैं. तो ये सब जो अपनी हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड है इन्होंने 100 ईयर्स में, और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने आज गाने सुनाए और जो इन्होंने कहानी सुनाई महबूब खान की, कैसे औरत फिल्म और कैसे मदर इंडिया फिल्म का एंड हुआ, ये हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग फॉर अस, इट्स एजुकेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रिंटिंग दिस बुक. ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी आमिर साहब से बात हो रही थी और बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं खास जिम खाना जा रहा हूँ और एक बुक का उद्घाटन करने वाला हूँ और सागर मूवी टोन, और जैसे उन्होंने कहा कि पता नहीं ये घंटी सी बजी तो मुझे लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि 7 बजे बोल रहे मैं 7:15 तक आ जाऊँ, उन्होंने तो 7 बजे शाम पहुँचना है, टाइम के बड़े पंक्चुअल, तो मैं जो हूँ 7:45 पहुँच गया और 7:45 पहुँचा, फिर मैं बाहर बैठा, फिर मैं अंदर आया, और जब मैं यहाँ का एक उतरे कि जैसे जब आते हैं तो एक आपको एक अंदर से एक आवाज़ आती है, एक फीलिंग होती है, एक जैसे वी से देयर इज अ सोल इन समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल. और जब मैं समझा था कि कभी कभी इन्होंने इतिहास लिखा जाता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कभी कभी हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, और जब जिसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो टैलेंट होता है जिसने कुछ किया होता है ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे ये किताब है, जैसे हम लोग सब आज मिले हैं और जो हमको आज सीखने को मिला है, सुनने को मिला है. मुझे नहीं लगता है कि ऐसा माहौल, ये माहौल ऊपर वाला करता है, और मुझे लगता है कि आज ये जो चीज हुई है इसमें कहीं ना कहीं एक जीवन लाल जी देसाई साहब ने ये सब कुछ किया है, मुझे लगता है.